ईयर लग जाए वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। हमारे बीच पे शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चंदी लम्हों के बीच तशरीफ ला रहेंगे। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हफीज मंसूरी साहब से चाहूंगा कि वो आए। हमारे बीच में अलाउद्दीन कुरैसी पूर्व जिला सदर झांसी, मैं चाहूंगा कि वो आए और दो मिनट में अपनी बात कहे। वक्त नहीं है मेरे पास। अलाउद्दीन कुरैसी साहब पूर्व जिला सदर झांसी दो मिनट में अपनी बात खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो दोस्तों, आपके कायद जिनका आपको इंतजार था वो आने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। स्टेज पे सवा हमारे बड़े तशरीफ फरमा, उनका मैं तहे दिल से इस्तगफार करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे बोलने का मौका मिला। एक शेर के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूँ। तेरी हिम्मत और तेरी ताकत की शोहरत जमाने में है। तेरी हिम्मत और तेरी ताकत की शोहरत जमाने में है, मगर अफसोस के तू आजाद होके भी कैद खाने में है। मेरे दोस्तों, हमें बार बार ये बात कही जाती है, मैं स्वर में आपको बार बता रहा हूं, बार बार ये बात कही जाती है कि अगर आप AIMIM को वोट देंगे तो समाजवादी पार्टी हार जाएगी। बार बार ये बात मुसलमान से कही जाती है, लेकिन असल बात यह है कि हम उसका पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखते। अगर समाजवादी पार्टी हार जाएगी तो समाजवादी पार्टी हमारे दम पर जिंदा है इसलिए हार जाएगी। यह बात हम लोग नहीं समझते, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि भाई हमारा अपना वोट संभाल के रखो, असद ओवैसी जो है वोट काट नहीं आएंगे। हमारा वोट 22%, समाजवादी पार्टी का वोट 7-7%। आप इंसाफ करो, वोट वो काट रहे हैं, वोट हम काट रहे हैं। वो हमारा 22% वोट काट रहे हैं और 70 साल से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, भाजपा का गिर दिखाया जा रहा है और इससे बढ़ के एक गंजे बाबा ने तो यह कह दिया अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। अरे मुसलमानों का एक अब्बा जान होता है और तुम कितने नाकदरी हो कि अपने अब्बा जान की मिट्टी में नहीं गए, अपने अब्बा जान को अब्बा जान ना कह सके, उनके पैर ना छू सके और फिर सदन में खड़ा होके इन्हीं ताकतों ने अपने असल बाप के सामने हाथ जोड़ के और उस बाप ने आशीर्वाद दिया था, माननीय हम तो चाहते हैं आप दोबारा सब लोग चुन कर आए। तो अब्बा जान हमारे, अब्बा जान तुम्हारे, मुसलमान अगर कोई अब्बा जान नहीं, हमारा एक अब्बा जान और हम सबके चच्चा जान। हमारा वोट लेना है तो हमारा वोट अब हमारी पार्टी में लगेगा। कोई अकलमंद दूसरे की जमीन पर अपना मकान नहीं बनाता। आपका प्लाट तैयार है, आपके प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका, आपके पिलर खड़े हो गए। दोस्तों एक एक ईंट लाके रख दो, इंशाल्लाह ऐसा महल बनेगा, सब आपको देखने के लिए आएंगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक ऐसा सैलाब है कि तमाम के तमाम कसियों का प्रसंग बहा के ले जाएगा। जरूरत है हमें मुत्तहिद होने की, हमें अपनी पार्टी की ताकत को समझने की, हमें असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को समझने की। ये याद रखना, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है आप इसे वोट ना दो, यानी कि ये डर रहे हैं, ये डर रहे असदुद्दीन ओवैसी की ताकत से, ये डर रहे मजलिस की ताकत से, ये डर रहे आपकी ताकत से। इनका डर बरकरार रखते हुए आप अपनी पार्टी में वोट दो। घर की मस्तूरात को समझाओ, घर की औरतों को समझाओ, बूढ़ों को समझाओ कि हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है जिसका चुनाव चिन्ह है पतंग है। कुत्ते की तरह तो बहुत से लोग भोंक लेते हैं, जाए एक शेर को देखा हमला कर दिया और हमला करने का वो एक वीडियो बनाकर डाल दी, लेकिन खुले मन से चैलेंज करते हैं, सीने में जिगर फौलाद कर रखते हैं और हम भी अपने मुंह में जुबान रखते हैं। अरे अलाउद्दीन बाबा है झांसी के, ऐसा वैसा ना समझना, तुम जैसे कुत्तों का अच्छी तरह से इलाज रखते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हमारे सदर ने कह दिया डरो म
डरो मत, हमारी जिंदगी हमारी मौत हमारे अल्लाह के इख्तियार में, किसी के इख्तियार में नहीं। पूरी दुनिया मिलकर अगर हमें नुकसान पहुंचाना चाहे और हमारा अल्लाह ना चाहे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और पूरी दुनिया मिलकर हमें नफा पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो नफा नहीं पहुंचा सकता। आज अल्लाह ने आपकी पार्टी में एक शेर को भेजा है, असदुद्दीन ओवैसी को भेजा है, वो आपका कायद है, इसका अहद करके जाओ कि इंशाल्लाह अपना वोट अपनी पार्टी में डालेंगे। जीत और हार तो अल्लाह के इख्तियार में है। ये नामर्द हमें क्या जिताएंगे, क्या हराएंगे, हमें तो हमारा अल्लाह जिताएगा, हमें हमारी उम्मत मोहम्मद ये जिताएगी, रसूल पाक की उम्मत जिताएगी। दोस्तों चैलेंज करके कहता हूं, अगर आप मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, दूसरों की तरफ देखना छोड़ दो, तो खुदा पाक कसम किसी पार्टी के इतनी औकात नहीं जो वो आपके MLA को, आपके सांसद को, आपके पार्षद को भी हरा सके। इन्हीं बात के साथ हमारे और ही वक्ता हैं, मैं आपसे विदा लेता हूं। इंशाल्लाह इस बात का फैसला करके जाए कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत बना, ताकत दे। अब वो वक्त दूर नहीं कि संसद में आपके सांसद होंगे, विधानसभा में आपके विधायक होंगे, और वो आपकी ताकत, आपकी बात को पूरी ताकत के साथ लोगों के सामने पेश करेंगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, देश के असद ओवैसी, नीम पाटिल, जय नीम, जय नीम, जय नीम। अस्सलाम वालेकुम।